अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में आपको बनाना सिखाएंगे एक ज़बरदस्त सर्वाइवल स्लाइन शॉटगन। और ये जो गन है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके बारे में आपको फुली डिटेल देंगे। चलिए आपको ये ज़बरदस्त स्लाइन शॉटगन बनाना सिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं स्लाइन शॉटगन बनाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है और जिस तरह देख सकते हैं कुछ इस तरह इसकी शेप है। फिर मैं इसमें मार्क कर देता हूँ, कुछ गन की टाइप के हिसाब से मैं इसमें डिज़ाइन मार्क कर दूँ कुछ इस तरह। देख सकते हैं मैंने इसको गन की शेप का डिज़ाइन बना दिया है इसके ऊपर जिस तरह देख सकते हैं आप। ऊपर से भी मैं इसमें फुल मार्क कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैं इसमें डिज़ाइन पूरा बना दिया। अब मैं इसमें काट देता हूँ। आप हैंडसा की मदद से भी काट सकते हैं, अगर आप दूसरी मिस्त्री या किसी आरे से इसको मशीन के ज़रिए भी इसके काटवा सकते हैं। अगर आप इसको घर पर ख़ुद काटते हैं थोड़ा टाइम भी लगेगी और ज़्यादा मेहनत भी लग सकती है, इसलिए मैंने इसको बाज़ार से कटवा दिया है। और इसमें ग्लू भी मैंने भर दिए जिस तरह देख सकते हैं कुछ इस तरह ये इसका डिज़ाइन है। फिर इसमें थोड़ा फिनिशिंग नहीं दी हुई, फिर मैं एंगल कटर की मदद से इसमें अच्छी तरह फिनिशिंग भी दे देता हूँ। देख सकते हैं मैंने सारे को अच्छी तरह फिनिशिंग दे दी है और फिर इसमें सैंड पेपर की मदद से हाथ से भी फिनिशिंग दे दी है और अभी कितना खूबसूरत लग रहा है देख सकते हैं। ये ट्रिगर मैंने खुद ने बनाया और इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी। अगर आप नहीं देखते मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप देख लें, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। अब हम इसमें यही ट्रिगर इस्तेमाल करेंगे और मैंने इसका इस पर मार्क कर लूँगा अपनी स्लाइन शॉटगन पर। इस ट्रिगर को मार्क कर लेंगे, फिर इसको देखें मैंने इसका सारा मार्क कर लिया। फिर इसका मिडल पॉइंट भी साइड से निकाल लेंगे, फिर इसमें मैं ड्रिल मशीन की मदद से इसमें होल कर दूंगा। देख सकते हैं मैंने इसमें ड्रिल मशीन की मदद से कुछ इस तरह होल कर दिया है। अभी इसका हमारा ट्रिगर है जो इसमें आसानी से फिक्स हो जाएगा। देखिए मैंने इसमें रबड़ दोबारा बांध दिया है क्योंकि वो स्प्रिंग थोड़ा ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसमें रबड़ भी बांध दिया है। अब मैं इसमें सुपर ग्लू पहले लगा के इसको रोक लूँगा, बाद में इसमें हम स्क्रू लगा देंगे। देखिए मैंने इसको चारों साइड इसमें सुपर ग्लू लगा देता हूँ। मैं आपको ये ट्रिगर चेक करके दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह काम करेगा देख सकते हैं आप। और दूसरा मैंने ये गलौ ले लिए और ये मुझे मार्केट से 30 रुपये मिली है। आपको अपने इलाके के रेट के हिसाब से मिल सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे रेट हो सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो खुद भी बना सकते हैं इस तरह की। इसकी मैंने कभी बहुत सारी वीडियो बना के रखी है सिंगल शॉट की। फिर इसके ऊपर मैं सुपर ग्लू लगा के इसको फ्रंट पर चिपका दूंगा, बाद में इसमें हम कीलें लगा देंगे, बाद में इसको हम टाइटली बंद कर देंगे। अभी इसके पहले रोकने के लिए मैं सुपर ग्लू लगा रहा हूँ। दूसरा मैं अपने ट्रिगर में एक होल कर दूंगा जिसमें हम इसमें अच्छी तरह स्क्रू फिट कर सकें, इसलिए मैं इसमें चार ऊपर से होल कर दूंगा ड्रिल मशीन की मदद से। देख सकते हैं मैंने इसमें होल कर दिया। अभी मैं इसमें सिंगल शॉट है ना, इसमें भी हम होल कर देते हैं। आप अपने हिसाब से जितने चाहें होल कर सकते हैं। मैंने 5-6 होल कर दिए। फिर इसमें मैं कीलें लगा दूंगा। आप देख सकते हैं इसमें मैं बहुत सारी कीलें लगा दिए। अभी ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है और ये चार मैंने स्क्रू ले लिए। अभी हम इसमें अपने ट्रिगर के ऊपर इसको सिंगल शॉट पर फिक्स कर देंगे। अभी मैं इसको सारों को स्क्रू को टाइट कर देता हूँ। देख सकते हैं सारे मैंने स्क्रू लगा दिए इसमें। अब मैंने ये रबड़ ले लिया है और ये बहुत पावर है। इसमें मैं एक लूँगा, फिर इसमें हम
इसको डबल करके इसमें बराबर इसको काट देंगे। कुछ मैंने और रबड़ के टुकड़े ले लिए हैं, फिर इसमें बांधने के काम आएंगे ये। अभी मैं इसको आपको बांध के दिखाता हूँ किस तरह ये मैं बांध रहा हूँ। अब देख लें कुछ इस तरह, पहले हम इसके फिंगर इसके ऊपर रख के इसमें लपेटते जाएंगे, इसके ऊपर पावर से इसको खींचते लपेटते जाएंगे जैसे ये टाइट बंद हो जाए। देख सकते हैं मैंने इसमें बांध दिया है रबड़, इसको टाइटली बंद कर दिया है। अभी ये मैंने एक इसका लेदर का टुकड़ा ले लिया है, फिर इसके ऊपर भी हम दोबारा इसमें बांध देंगे। जिधर हम इसमें इससे बाहर निकाल लेंगे, इसमें मैंने होल कर दिया है। अभी इससे बाहर निकाल के इधर आपको दो आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, एक दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जो इसको खींचेगा, फिर आप इस पर कुछ इस तरह बांध सकते हैं। जैसे नीचे हमने गलोल के ऊपर बांधा, इस तरह इसके ऊपर हम बांध देंगे, खींचते बांधते चले जाएंगे। देख सकते हैं मैंने भी इसमें भी बांध दिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरह ये दिख रहा है। देखिए मैंने दोनों साइड अभी बांध दिए हैं, अभी हमारी सिंगल सेल कुछ तैयार हो चुकी है। अभी मैंने इसका कवर बनाना है, ट्रिगर के ऊपर हम ये लगाएंगे कवर, ये मैंने पीवीसी पाइप से बनाया है। फिर पहले मैं इसमें सुपर ग्लू से इसको रोक लेता हूँ, बाद में इसमें मैं कीलिंग या स्क्रू लगा के इसको अच्छी तरह बंद कर दे दूँगा। देख सकते हैं मैंने इसमें ट्रिगर का कवर भी लगा दिया और इस तरह अच्छी तरह ट्रिगर भी काम कर रहा है। चलिए इसके आखिरी लुक भी आपको दिखा दे रहे हैं, कुछ इस तरह हमारा सिंगल सर्वाइवल शॉटगन दिख रहा है, जिस तरह देख सकते हैं आप। चलिए इसकी अभी आपको टेस्टिंग भी दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। और इसमें मैं कांच की गोलियां यूज़ कर रहा हूँ, कुछ इस तरह इसको बुलेट करते हैं। इसमें पहले हम अपनी कांच की एक गोली रखेंगे, फिर इसको हम खींचेंगे, कुछ इस तरह हम इसको खींचेंगे, बाद में हम इसमें अच्छी तरह फिक्स कर देंगे। अभी हमारा ये तैयार हो चुका है शूट करने के लिए। चलिए अब मैं इसको कुछ टारगेट आपको निशाना लगा के दिखाता हूँ। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये सर्वाइवल स्लाइंग शॉटगन की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे ज़्यादा परम्बर से रखा रखेगा। अल्लाह हाफिज़।